प्रदेश विधानसभा चुनाव में 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग है। चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी उम्मीदवार सहेंद्र रामला के काफिले पर गोबर और पत्थर फेंके गए। बागपत के छपरौली में मंगलवार को बीजेपी उम्मीदवार और विधायक सहेंद्र रामला के काफिले पर लोगों ने हमला कर दिया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि काफिले पर गाय के गोबर फेंके गए हैं और पत्थराव भी किया गया। वहीं कई बीजेपी नेताओं ने कहा कि जब बीजेपी उम्मीदवार सहेंद्र रामला के प्रचार के लिए उनके समर्थन में जुलूस निकाला जा रहा था, उसी वक्त गाड़ियों पर गाय के गोबर के ओपले फेंके गए। बीजेपी की तरफ से आरोप है कि बीजेपी उम्मीदवार और विधायक सहेंद्र रामला के प्रचार के दौरान काफले पर पथराव भी किया गया। वहीं जब काफला राष्ट्रीय लोक दल के कार्यालय के सामने पहुंचा तो संबंधित पार्टी के कार्यकर्ताओं ने झंडा लहराकर उनका विरोध शुरू कर दिया, जिससे दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। हालांकि मामले को बिगड़ता देख किसी ने पुलिस को सूचित कर दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले को काबू में किया। वहीं इलाके के SHO विनोद कुमार ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने इस घटना के संबंधित में बताया है कि उन्हें इस मामले में अभी तक इसकी विस्तृत रिपोर्ट नहीं मिली। पुलिस के जरिए फोटोग्राफी से प्राप्त सूचना के आधार पर दोषियों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।